हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2021 के लिए एक नया टॉपिक है हमारा, रेकरिंग यानी कि पुनरावृत्ति। आप सभी को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रेकरिंग यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है वो। पुनरावृत्ति का मतलब भी वही होता है, बार बार उस चीज़ को दोहराना। जैसे यहाँ पर कोई संख्या हम देखते हैं, मान लीजिए हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल पर 0.6666। इस तरीके से अगर कोई संख्या दी गई है तो ये क्या हो रही है, बार बार दशमलव के बाद बार बार 6666 दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि वो उसकी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। जब ऐसी संख्या होती है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या कहाँ तक जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, वो 6666 आगे तक चलती जाएगी। इसके लिए यहाँ पे गणितज्ञों ने एक नियम निकाला जिसको इस बड़ी सी संख्या को यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार लगा दिया। ये बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि आप एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक। ये बार का साइन होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर इस तरीके का आपको साइन दिखे वो बार का साइन होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे साइन दिख रहा है इस कोष्टक के अंदर, ये साइन आपका है बार का, ठीक। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बार के बारे में डिस्कस करूँगा, बार साइन जो होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, उससे संबंधित यूपी टेट में हर बार एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाए या फिर आपको भिन्न में, आपके जो अभी मैंने पढ़ाया आपको इसके पहले फ्रैक्शन में बोल देगा कोई दो चीज़ें बार में दे देगा, वो बोल देगा उसका गुणा करके उसका भिन्नात्मक मान लिखिए या फिर उसको जोड़ के भिन्नात्मक मान लिखिए, इस तरीके से। तो बार के बारे में हमको पता होना चाहिए कि बार को कैसे तोड़ते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेकरिंग और हमारा आज का टॉपिक होगा उसके अंदर बार, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, पूरे मेहनत से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ाऊँगा, तो सिर्फ एक लाइक आप लोग अगर कर दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही वीडियो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही यूपी टेट की तैयारी करने के लिए, यूपी टेट 2021 की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि जो ये बार है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तीन तरीके से यहाँ पे चीज़ें ये यूज होती हैं, बार का साइन जो है वो मुख्य रूप से तीन जगहों पे यूज होता है जो आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। पहला यहाँ पे है, पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे 0.2555, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बार के रूप में, अगर प्रदर्शित करें इसको हम तो 0.2, और बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 5555, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, यानी कि 5 के ऊपर हम लगा देंगे बार। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, जब दशमलव की संख्या के दाहिनी तरफ अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। एक तरीका ये होता है बार लगाने का, दशमलव के दाहिनी तरफ जब बार लगाते हैं तो हम, ये हमारा पहला रूप हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा रूप यहाँ पे देखिएगा कैसे हम लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे है 3535.037, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दशमलव के पहले बार लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। 3535 बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 के ऊपर बार, उसके बाद पॉइंट, यहाँ पे जब इस तरीके से हो तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे प्लस के बाद फिर से लगता है, प्लस 0.037, ठीक है। एक दूसरा रूप ये हो गया, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, ये पूर्णांश हमारा होता है, पूर्णांक बोल रहा हूँ तो याद रखिएगा, पूर्णांश मतलब होता है कि ये निगेटिव संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो
3535 रिपीट हो रहा है, ये माइनस इसके आगे लगेगा। जब ये बार ऊपर आ जाता है दशमलव के पहले तो ये हमारा पूर्णांश हो जाता है, यानी कि ये जो संख्या होगी दशमलव के पहले वो ऋणात्मक होगी। और तीसरा जो होता है यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे, जो बार का साइन देखते हैं वो सरलीकरण में देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए होंगे, वहाँ पे आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला होगा, कोष्टक के अंदर दे देगा 2 - 3 + 7 × 4, और यहाँ पे 3 और 7 के ऊपर बार लगा देगा, इसका मान आपसे पूछ लेगा। तो तीन जगहों पे आपको देखने को मिलता है रेकरिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे बार जो होता है, पुनरावृत्ति जो होती है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो तीन तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका हो गया दशमलव के बाद जो संख्या आपका रिपीट करता है, दूसरा हो गया जब दशमलव के पहले जो संख्या रिपीट करती है, और तीसरा हो गया जब हमारा सरलीकरण में हमारा इस तरीके से बार लगा होता है। ठीक है, तीनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको मैं रब करूँगा अब। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। बस ये एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को कि रेकरिंग यानी कि बार के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से निरूपित होते हैं। ठीक है, अभी मैं डिटेल में तीनों चीज़ें डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला यहाँ पे हम लेके चलते हैं जो हमने देखा अभी, पहला तरीका कि दशमलव के बाद कैसे बार लगाते हैं, उसका भी एक नियम होता है। अब यहाँ पे जैसे ये संख्या है 0.333, तो यहाँ पे हम यहाँ से बार शुरू करते हैं, सबसे दाहिनी तरफ से बार शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं बार। ठीक है, इस पे हम बार लगा सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे रिपीट हो रही सारी संख्या तो हमको सभी पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 5। तो यहाँ पे इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, 0.35, अब 3 के ऊपर 12 है यानी कि 3 अब रिपीट हो रहा है हमेशा आगे की तरफ, 3 3 3 3 आगे की तरफ ये रिपीट होता चला जाएगा। सबसे दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं बार, मतलब अगर कोई संख्या इस तरीके से दी गई है तो किस इसको कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। उसके बाद अगर ऐसे दिया गया है 0.437, अगर 37 के ऊपर बार लगा दें तो ये भी निरूपित करने का सही तरीका है। इस तरीके से भी हम निरूपित कर सकते हैं। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 0.4, अब यहाँ पे 37 के ऊपर बार था तो 37 रिपीट होगा बार बार। ठीक है, 37 वो बढ़ता जाएगा अनंत टाइम पे, ये भी तरीका एक निरूपित करने का है। या फिर इस तरीके से कहें हम 0.513, तीनों के ऊपर बार लगा दें तो भी सही होगा। यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे, 0.513513513, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी कि देखेंगे दशमलव के आगे सबसे दाहिने तरफ भी अगर बार है तो भी वो सही तरीका लिखने का, दशमलव के आगे बाएं से दोनों प्लेस पे हमारा दशमलव है तो भी हमारा सही तरीका है, दशमलव के आगे सभी संख्याओं के ऊपर बार है तो भी हमारा सही तरीका है। तो गलत तरीका क्या होगा, गलत तरीका जैसे इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है 0.723, अगर यहाँ पर बार लगा दिया जाए इसके ऊपर सिर्फ, तो इस तरीके से हम बार डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे, 0.7 लिख दिया, अब 2 रिपीट हो रहा है बार बार, 2 2 2, कितनी बार ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे 3 भी तो लगाना है। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए 3 2 के बाद 3 लगा देते हैं तो हमारा क्या जरूरी है कि ये 2 2 रिपीट हो रहा है वो 3 ही बार रिपीट होगा, या फिर 2 4 बार रिपीट होगा, 5 बार, हम नहीं कह सकते ना कि 2 कितनी बार रिपीट होगा। जब नहीं कह सकते हैं तो हम इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये तरीका हमारा प्रदर्शित करने का गलत है। या फिर इसी को आप कहें कि 0.723 है, इस तरीके से हम प्रदर्शित कर दें तो नहीं प्रदर्शित कर सकते, या फिर अगर 7 पे ही सिर्फ बार लगा दें तो भी हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ये तरीका हमारा गलत है। क्योंकि दशमलव के आगे जब बार लगता है तो सबसे दाहिने तरफ से लगता है, दाहिने तरफ से एक प्लेस पे हो, 2 प्लेस पे हो, 3 प्लेस पे हो, सभी प्लेसेस पे हो तो सही होगा। लेकिन हमारा ये प्लेस, किनारे वाला प्लेस अगर इस साइड लगा हुआ है, इसके आगे खाली हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा ये खाली है, यहाँ पे लगा ये दोनों खाली, इस तरीके से प्रदर्शित हो तो ये हमारा कभी भी सही तरीका दशम यहाँ पे बार लगाने का नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि
कि सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि बार लगाते क्यों हैं। अभी काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये बार लगाते क्यों हैं, उसको कन्वर्ट करने पे क्या हमको वापस वही संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए ये एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में हम देखते हैं अगर ये संख्या लिखी गई है 0.6, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, एक एग्जांपल है 2 बाई 3 को अगर हम तोड़े भाग दें तो क्या आएगा, 2 बाई 3 को अगर हम भाग दें तो आपको पता है कि एक बार जाएगा नहीं, यानी दशम यहाँ पे जीरो लगेगा, फिर दशमलव आएगा तो 20 होगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बचता जाएगा तो 6 बार ये जाता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब जब 6 यहाँ पे देख रहे हैं रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार लग गया। इसको अब तोड़ेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेरा कराने का बस इतना मकसद था कि इस चीज़ को अब तोड़ के वापस इस फॉर्म में अगर बनाने के लिए बोल दे, यानी कि भिन्न इस तरीके से दिया है और आपको बोल दे कि भिन्न में परिवर्तित करिए, तो कैसे परिवर्तित करेंगे, ये क्वेश्चन इसीलिए मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे 0.6 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, 6 जो लिखा है दशमलव के आगे 6 ऐसे ही लिख लीजिए। अब बटे में क्या करिए, जितने भी संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, 6 एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 ला दीजिए। अब आपको पता है कि 6/9 क्या होता है, 3 2 6 3 3 9, आपका देखिए स्टार्टिंग में जो रखा था आपने भिन्न वही वापस आपको मिल गया है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा आगे, इसके यही सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत कर पाएंगे। तो इस चीज़ को नोट करना, जल्दी से नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ, अब एग्जांपल्स देखते हैं, हम ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर वन, 0.444 लिखा है, इसको आप भिन्न में बदलने के लिए अगर आपसे बोलता है तो कैसे बदलेंगे। आपको मैंने बताया जब 4 रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, हम नहीं बता सकते कितनी बार जा रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बार में कन्वर्ट करते हैं, 0.4 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार हो गया। मैंने क्या बोला, जो संख्या यहाँ पर है जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे लिख लीजिए 4, जितनी संख्या के ऊपर बार है उसके बटे में उतना ही 9 लिख लीजिए, 4/9। इसको आप 0.444 को 4/9 लिख सकते हैं। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, अब यहाँ पे है 0.15 15 15 -, तो सबसे पहले जो संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगाइए। यहाँ पर देखिए रिपीट क्या कर रहा है, 15 15 15, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको लिखिए 0.15 के ऊपर बार, 15 के ऊपर बार हो गया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, जो संख्या ऊपर लिखी गई सेम संख्या मैंने बोला लिखिए 15 लिख लीजिए, अब बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार था तो यानी 1 9 लगा था, यहाँ पे आप देखेंगे दो संख्याओं के ऊपर, 1 के ऊपर और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 1 9 1 वाला और 1 9 5 वाला, तो 15/99 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का भिन्नात्मक रूप। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, तीसरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे संख्या है 0.3777 -, इसको भिन्नात्मक रूप में आपको बदलना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आ भी जाता है तो वो एग्ज़ाम के टाइम में जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते, भूल जाते कोई ना कोई स्टेप। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, जितने भी एग्जांपल मैं कराऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, उसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। ये एग्जांपल मैं करा दूंगा इस टाइप के, आप आगे से जितने भी एग्जांपल कराऊंगा वीडियो रोकिएगा आप,
उस वीडियो को रोकने के बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो स्टेप यहाँ पे मैं बताऊँगा उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं इस टाइप के तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें 0.37777 7 रिपीट हो रहा है, 3 तो रिपीट हो नहीं रहा है, यानी कि इसको क्या करेंगे सबसे पहले यही संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या लिखते हैं 0.37 के ऊपर बार लगाते हैं क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 तो एक ही बार है, यानी कि 3 लिख लिया और 7 के ऊपर बार लगा दिया, 7 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको तोड़ेंगे कैसे ये ध्यान दीजिएगा। जो संख्या यहाँ पे लिखी गई मैंने बोला वही संख्या लिख लीजिए सबसे पहले 37। अब जिस संख्या के ऊपर बार था उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 3 माइनस कर दिए और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना 0। पहले बार वाली संख्या को लिखते हैं 9, फिर यहाँ पे जितना भी संख्या के ऊपर बार नहीं है जैसे 3 के ऊपर बार नहीं है तो 10 यहाँ पे बढ़ा देंगे। क्या आ जाएगा आपका आंसर 37-3 34/99। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो जल्दी से तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोट करिए, फिर आगे चलेंगे और अच्छे अच्छे यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूँ अब। ठीक है, इसको मैं अब रब करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। अगला एग्जाम्पल है चौथा एग्जाम्पल 0.12412414 इसको कैसे तोड़ेंगे, मैंने क्या बोला सबसे पहले जितनी संख्याएं रिपीट हो रही बार बार उसको लिख लीजिए 0.124। आप देख रहे हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4 रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो 1 2 4 रिपीट हो रहा है यानी कि पूरे के ऊपर बार लग जाएगा, 1 2 4 के ऊपर बार लगा दिया। इसके बाद क्या मैंने बोला जो संख्या लिखी गई है उसको तुरंत नीचे उतारिए, 1 2 4 लिखा था तो 1 2 4 लिख लीजिए, बटे में क्या करेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा, तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा यानी कि 9 9 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो तीन संख्याओं के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो कैसे इस चीज़ को तोड़ेंगे आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं आगे की तरफ, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इधर देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा 2.45 के ऊपर बार। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक तो दशमलव के पहले हमेशा 0 आया था इसलिए हमको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, सॉल्व कर लिया आसानी से। अब वहाँ पे पांचवें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पांचवें क्वेश्चन में दशमलव के पहले भी आपका एक पूर्णांक है, दशमलव के पहले जब आपका एक पूर्णांक हो उसको कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। हम इस चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है, हम इस चीज़ को जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। अब 2 ऐसे लिख लीजिए, ठीक, अब प्लस लगाइए यहाँ पे, 2 के बाद जो दशमलव है उसके लिए यहाँ पे 2 के बाद प्लस करिए, यानी कि हमको 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 हम अलग कर दिए। उसके बाद जो ये 4 5 था उसको जैसे करते थे 4 45 लिखिए और बटे में 2 संख्याओं के ऊपर बार था यानी कि 99। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 सही 45/99 इसका करेक्ट आंसर। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था और एक संख्या यहाँ पे पूर्णांक थी, पूर्णांक है, अभी एक आपका आएगा पूर्णांश, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक है तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिए, 45 को तोड़ दिए, 45/99 हो जाएगा क्योंकि संख्या सेम लिखना है यहाँ पे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतना 99 9 9 आ जाएगा यानी कि 2 से 45/99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम चलेंगे आगे के छठे एग्जाम्पल की तरफ।
अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो दिल से सच में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मैं मेहनत करता हूँ। तो पहले तो वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, शेयर करने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। छठवां एग्जाम्पल है यहाँ पे, थोड़ा सा अब एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 0.379, अब 9 के ऊपर सिर्फ बार है, याद रखिएगा सिर्फ 9 के ऊपर बार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर जिसको आता होगा वो तो आसानी से कर लेगा, ठीक है, जिसको आता होगा वो तो बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि बहुत ऐसा भी नहीं है कि बार वाले क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें। लेकिन जिसको नहीं आता इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तभी मैं बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं बोल देता किसी क्वेश्चन को कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 0.37 और 9 के ऊपर बार लगा है, तो सबसे पहले जो संख्या लिखी गई सबसे पहले उस संख्या को लिखिए 37 और 9। अब जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उससे हमको मतलब है, 37 के ऊपर बार नहीं लगा है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 37, और बटे में जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था तो उतने 9 लिख लिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 लिख लिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 379 में से 37 घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे 342/900 आपका आंसर आ गया। इसको आप सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं, आप देख रहे हैं 2 से कट रहा है सीधे सीधे, दोनों सम संख्या हैं तो सरल करके भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये जो आंसर आ गया करेक्ट आंसर आपका है। तो मेरा बस यहाँ पे ये क्वेश्चन बताने का यहाँ पे ये मोटिव था कि इस चीज़ को यहाँ पे लिखते कैसे हैं, तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलेंगे हम आगे की तरफ, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस तरीके का, सातवां क्वेश्चन। जीरो पॉइंट सेवन फोर थ्री, 4 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैंने क्या बोला स्टेप वाइज आप फॉलो करिए। पहले स्टेप में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो संख्या लिखी गई सेम संख्या लिख लीजिए 7 4 3। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 7 के ऊपर बार नहीं लगा था तो 7 माइनस कर दिए, और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतना 9, एक संख्या के बार दूसरे संख्या के ऊपर बार, यानी कि 2 9 आ जाएगा, और किस संख्या के ऊपर बार नहीं, कितने, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 743 में से 7 गया तो कितना आएगा 736/990। ये भी आपका सरल होगा, आप देख रहे होंगे 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 6 12 2 8 16, नीचे 2 4 8 2 9 18 और 2 5 10, 368/495 आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूँ, यहीं पे आगे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एग्जांपल है 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल आपको निकालना है, 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आप ऐसा नहीं है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे इसके ऊपर बार भी लगा हुआ है तो बार को कैसे तोड़ते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो वो स्टेप फॉलो करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखिए 4, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9, नीचे ये हो गया, इसका वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा यहाँ से 3 निकलेगा, यानी कि 2/3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब 2/3 को अगर भिन्न भाव भिन्न के रूप में लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं 0.666, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कैसे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाद में अगर भिन्न यहाँ पे दशमलव के बाद में अगर बार आता है तो उस संख्या को कैसे यहाँ पे तोड़ते हैं। तो जल्दी से अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। इस क्वेश्चन में आपने कुछ सीखा कि नहीं? इस वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लास्ट में लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार, तो यानी कि 0.4 के बार का जो वर्गमूल होगा वो 0.6 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो वर्ग यहाँ पे बताने का मेरा ये मकसद था ये क्वेश्चन कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे वर्गमूल बोले या फिर वर्ग बोले तो डायरेक्ट मत करिएगा उसको, जैसे मैंने बताया है बार वाले क्वेश्चन को जैसे तोड़ते हैं उस तरीके से आप तोड़ के आप देखिएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दशमलव के पहले वाला, तो बाद वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब दशमलव के पहले वाले यहाँ पे बार के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 47 के ऊपर बार 0.43। अगर अभी तक तो दशमलव के इस साइड में आपका बार लगा हुआ था, लेकिन अब दशमलव के इस पहले साइड में अगर दूसरा, ये जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था तीन टाइप, उसमें एक टाइप आपने देख लिया कि दशमलव के बाद में अगर बार लगता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा टाइप है यहाँ पे हमारा, दशमलव के पहले अगर हमारा बार लगा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले तोड़ लेते हैं। ये जो दशमलव के पहले बार लगता हुआ है ये पूर्णांक हो जाता है, पूर्णांक का मतलब होता है ये दशमलव के पहले वाली संख्या निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि -47 हो जाएगा, सिर्फ इतना ही इसका मतलब है। लेकिन इसके आगे क्या होगा, ये तो ऋणात्मक होगी लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होगी, यानी कि इसको हम अलग कर लेंगे दशमलव के बाद। अब ये जो संख्या होगी ये प्लस में हो जाएगी, +40.43। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया हमने, दशमलव के पहले वाले संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था तो उसके आगे माइनस लग गया, दशमलव के बाद जो संख्या है उस पर बार तो लगा नहीं है, यानी कि वो अलग हो जाएगी, ये पूर्णांक हो जाएगी, ये आपकी भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी लेकिन धनात्मक भिन्नात्मक संख्या होगी। तो ये इसके पहले माइनस लगा दिया, +0.43, ये आपका इस तरीके से इसको आप निरूपित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे निरूपित किया जाता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। पूर्णांक भाग हमेशा ये वाली जो संख्या होगी ये हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी हमेशा, और ये हमेशा क्या होगी, ये आपकी भिन्नात्मक संख्या होगी, भिन्नात्मक संख्या होगी हमेशा। तो अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल था सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर पॉइंट के यानी दशमलव के पहले अगर बार लगा हुआ है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को हमेशा के लिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अब कुछ क्वेश्चन आपके जो होंगे वो अच्छे अच्छे टाइप के होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिएगा। यहाँ पे पहला यहाँ पे एग्जांपल है, नोट करिएगा, एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल है 1.38, इसके ऊपर बार को साधारण भिन्न में, को साधारण भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉरी, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप देखेंगे कि अभी तक इसके पहले दशमलव पहले जीरो रहता था तो उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद बार तो लगा हुआ लेकिन दशमलव के पहले भी कोई संख्या जो है वो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या यानी कि इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। वन लिखेंगे, क्या बताया मैंने, इसको इस तरीके से लिखना होता है 1+0.38 के ऊपर बार,
अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 तो हमारा सेपरेट हो गया है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 38 लिखेंगे, उसके नीचे जितने संख्याओं के ऊपर बार है उसके नीचे उतने 9 लगा देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं है कि इसको बार के को कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब 99 का यहाँ पे हो जाएगा गुणा, ये तो आपको कन्वर्ट करने आएगा ना, अब यहाँ पे 99 का इधर गुणा हो जाएगा तो 99 हो जाएगा, उसमें 38 ऐड हो जाएगा, यानी कि 137 अपॉन 99 इसका करेक्ट भिन्नात्मक भिन्न में बदल दिया हमने, 1.38 के ऊपर बार को हमने भिन्न में बदल दिया, तो 137 अपॉन 99 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट करिए, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, भिन्न कोई बार वाला क्वेश्चन दे देगा और उसके उसको बोल देगा कि भिन्न के रूप में बदलने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसको मैं रब करता हूँ, इरेज करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से अब देखिएगा, आगे का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब वन पॉइंट थ्री के ऊपर बार गुड़े 0.03 के ऊपर बार, इसका मान बताना है आपको कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार वाली संख्या है, उसका गुणा किया गया है दूसरी बार वाली संख्या को के साथ, तो इसको आप, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको अलग सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया अभी इस पिछला क्वेश्चन, और इसको अलग सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करने के बाद गुणा कर दीजिए। वीडियो को रोकिए जल्दी से, 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ, जल्दी से रोकिए वीडियो को, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने रोका होगा वीडियो, रोक के सॉल्व करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला दोनों को सेपरेट, यहाँ पे आप गलत ना करें इसलिए सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लीजिए। 1.3 के ऊपर बार था, इसको कैसे करेंगे, 1 + 0.3 के ऊपर बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 3 के ऊपर बार था, 3 लिखिए, इसके नीचे 9 रख दीजिए, तो 9 का इधर गुणा होगा, 9 × 1 = 9 और 3 = 12, इसका क्या आ जाएगा, 12/, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी कि 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 12 और 3 × 3 = 9, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से पहले वाले पार्ट का इसका हमारा आ गया 4/3। और इसका कैसे करेंगे, सिर्फ आपके, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, नहीं तो एक ही स्टेप में सारी चीज़ें हो जाती। अब यहाँ पे मैंने बोला जितनी संख्याओं के ऊपर बार, पहले संख्या लिख लीजिए, 0 यहाँ पे 0.03 है, तो इसको 3 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 0.3 तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, 0.3 लिख देंगे तो उसका भी वही मतलब होगा, 3 लिखेंगे तो उसका भी वही मतलब होगा, क्योंकि दशमलव तो हट जाता है, तो 0.3 लिखिए या फिर 3 लिखिए, उसका दोनों का सेम मतलब है, तो 3 लिखिए, जितनी संख्या के ऊपर बार था उतना 9 आएगा। संख्या तो 2 है ना, यहाँ पे 0 है और 1 3 है, तो यहाँ पे लिख तो रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे 0.3, तो 2 संख्याएं हैं, यानी कि 2 9 आ जाएगा यहाँ पे, लास्ट में हमारा इन द एंड हमारा यही तो आएगा 1/33, 3 से कट जाएगा ये, 33 बार जाएगा, तो 1/33 आ गया इधर से और 4/3 इधर से आ गया। अब क्या करना है, दोनों का गुणा कर देना है, 1/4/3 गुणे 1/33, यानी कि आपका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 4 का ऊपर 4 नीचे 33 × 99, आपका आंसर आ गया 4/99। अगर इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे, मतलब इसको दशमलव के रूप में ही बदलना, तो भाग दे दीजिए आप, 99 का 4 में भाग देंगे तो पहले 0 करेंगे फिर दशमलव उतारेंगे, तो यहाँ पे 40 आएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 400 आएगा, 99 का कितनी बार गुणा करेंगे तो 400 बार जाएगा, तो आपको पता है 4 बार जाएगा, फिर आपका 99 चौका 4, अगर 99 चौका करेंगे तो 396 आएगा, और यहाँ पे 400 था तो फिर 4 बचेगा आपका, फिर से ये 04 रिपीट करेगा, फिर से 04 रिपीट करेगा, ये चलता जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपका आंसर इसका इस तरीके से लिखा गया है, और इसको हम 0.04 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि 2 अगर बार वाली संख्या है उसका गुणा कैसे करते हैं। जल्दी से अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, तुरंत फटाक से लाइक करिए, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे अब और अच्छे अच्छे यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे
कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे कराऊंगा आप लोगों को जो अच्छे क्वालिटी का है। तो बस ध्यान से ध्यान लगा के रखे रहिए, आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखे रहिए। इसको मैं अब रब करता हूँ, और कहीं पे भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप कहीं पे भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत आप लोगों का एक घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को आप लोगों को समझा सकूँ। तो कमेंट करने से झिझकिए मत। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल है 0.72 के ऊपर बार प्लस 0.35 के ऊपर बार प्लस 0.53 के ऊपर बार, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो इसको भिन्न के रूप में बदलिए, 72/99 प्लस 35/99 प्लस 53/99, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है, इस तरीके से अगर आप बदलेंगे 72/99 प्लस 35/99 प्लस 53/99, उस तरीके से भी करना आसान है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, दोनों सभी में हर आपका समान हो जाएगा 99, 99, 99, तो ऊपर की संख्या हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे हमेशा दो ही संख्या हो सकता है कुछ चेंज करके आ जाए, तो वहाँ पे आपका नीचे हर जो है वो समान नहीं होगा, तो ऊपर की संख्या जोड़ने में दिक्कत होगी। इसलिए जब भी यहाँ पे जोड़ वाली संख्याएँ आए, सिर्फ जोड़ना हो आपको, इस तरीके से भिन्न को जोड़ना हो, तो आसान तरीका ढूंढिए। आसान तरीका क्या है, अगर हम यहाँ पे मैं बोलूँ आप लोगों को कि 0.72 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.72727272, यही तो होगा ना, रिपीट कर रहा है बार बार इनफाइनाइट टाइम्स। अगर 0.35 की बात की जाए, 0.35 की बात की जाए बार की, तो इसका मतलब यही होगा ना, 0.353535, यही होगा ना मतलब। और अगर 0.353 की बात की जाए, 0.53 की बात की जाए बार की, तो 0.535353 तो जब इसका मतलब हमने लिख लिया ये है, तो हम जोड़ना ही तो है, प्लस साइन है सभी के बीच में, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट जोड़ देंगे तो उसमें भी हमको कुछ मान मिलेगा, हम उसको बार में कन्वर्ट कर देंगे अगर रिपीट होगा तो। 5 2 7 और 3 10, कैरी गया 1, 7 1 8 8 5 13 13 3 16, 1 कैरी गया 3 3 6 और 5 11, 1 कैरी गया 7 1 8 8 5 13 3 16, 1 कैरी गया 3 3 6 और 8 6, यहाँ पे 3 3 6 और 6 5 11, 1 कैरी गया 8 5 13 13 3 16, फिर 1 कैरी गया जो कि आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 1 आया, लेकिन उसके बाद 6 1 6 1 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा, क्योंकि आगे की संख्या जुड़ के यहाँ पे कैरी 1 दे देगा। तो इस तरीके से देखेंगे आप, रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.61 के ऊपर बार। तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा, 0.72 0.35 0.53 जो था उसका हमारा आंसर क्या है, 1.6561 के ऊपर बार। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब ये चीज़ जोड़ने आ गया होगा कि कैसे इस संख्या को हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो फटाक से इस वीडियो को लाइक करिए। अब हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, आगे क्वेश्चन आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ पढ़ाता हूँ, बात नहीं करता हूँ। तो मेरा बस यही मोटिव होता है कि जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उस पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को, कि अगर आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। सिर्फ एक काम करना है आपको, नोट्स बनाना है प्रॉपर, जो मैं पढ़ाऊँ उसका एक तरफ से एक तरफ तक हर एग्जाम्पल को नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 2 पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, में सही से लिख लेता हूँ, 2.35 के ऊपर बार, ठीक है।
माइनस 3.06 के ऊपर बार, उसके बाद लास्ट में क्या है प्लस 3.722 के ऊपर बार। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। यहाँ पे देखेंगे ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे एक ऋणात्मक भी संख्या है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं कि अब जब बार वाले क्वेश्चन आए तो सभी धनात्मक धनात्मक ही आएंगे, धनात्मक ऋणात्मक आ सकते हैं, धनात्मक गुणात्मक आ सकते हैं, किसी भी तरीके का वहाँ पे आ सकता है, कंसंट्रेशन आपका बिगड़ जाएगा। तो आप सभी को जोड़ डालेंगे, आपका जोड़ने के बाद भी एक आंसर आएगा जो आपके ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वहाँ पे ऐसे ज़रूर वहाँ पे सेट करता है क्वेश्चंस को कि बच्चे गलत कहाँ पे करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन में वो क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा आपको, गलत वाला भी। तो तुरंत इसको क्या करिए आप, मैंने बताया इसको भिन्न फॉर्म में, दशमलव फॉर्म में पूरा खोल दीजिए, दो था 3.5 के ऊपर बार था, यानी कि इसको हम रिपीट करेंगे 3.5 और 3.5 इनफाइनाइट टाइम्स। इसके बाद यहाँ पे माइनस है और दूसरा प्लस है, तो आप लिख सकते हैं माइनस वाला भी, आपको कंसंट्रेट होके बस माइनस करना होगा, लेकिन सबसे पहले प्लस है तो प्लस वाला लिख लीजिए, जो पहले जोड़ लीजिए फिर माइनस कर दीजिए। तो प्लस वाला क्या था, 3.72 के ऊपर बार, यानी कि 7.2 7.2 7.2 --। इसके बाद माइनस वाला लिख लीजिए, -3.06 06 06 -। अब क्या करिए, पहले जोड़िए फिर घटा दीजिए, इन दोनों को तो आपको जोड़ना है क्योंकि प्लस प्लस में है, उसके बाद ये घटाना है, तो 5 2 7, 7 में से 6 गया 1, 7 3 10, 10 में से 0 गया, यहाँ पे ये 0 है तो 0 होगा, 10 में से 0 गया 0, 1 कैरी जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 6 6 2 8, 8 में से 6 गया 2, फिर 7 3 10, 10 में से 0 गया 0, कैरी बन गया 5 6 2 8, 8 में से 6 गया फिर 2, फिर 7 में 10 में से 0 गया 0, 1 कैरी था, 1 कैरी आगे की तरफ चला आएगा, यहाँ पे 3 और 3 6 6 में से 3 माइनस होगा तो 3। आपने यहाँ पे क्या देखा कि 3.02 रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे जो लास्ट में 1 आता है वो उसको मत देखा करिए, क्योंकि वो आगे दशमलव यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई संख्या, आगे बढ़ती जाएंगी, ये यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे अगर आप, जैसे यहाँ पे कर देंगे आप 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 7 2 7 यहाँ पे कर देंगे अगर, और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे जब कैरी आएगा तो यहाँ पे ये 1 से 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 6 गया फिर 2 बचेगा। लास्ट वाली संख्या को मत ध्यान दिया करिए क्योंकि वो आगे बढ़ती जाएगी, संख्या ख़त्म नहीं हो रही है, तो 0 2 के ऊपर बार हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, 3.02 इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने ढेर सारे एग्जांपल्स करा दिए मैंने, और अगर समझ में आया हो इस वीडियो में, आपको देखने के बाद लगा हो कि अब आप बार के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।